सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों आज के वीडियो में ये बताने वाले हैं कि बोरीवली में आकर आप किन किन जगहों पर आप घूम सकते हैं। और जैसा कि आपने पोस्टर में देख ही लिया होगा दोस्तों, तो तैयार हो जाइए, आज सारी जगहों को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि बोरीवली में देखने के लिए कौन कौन सी जगहें हैं। तो पहला शुरुआत करते हैं हम दोस्तों, ये संजय गांधी नेशनल पार्क, यहाँ पर आकर आप बोटिंग कर सकते हैं। और ये जगह बोरीवली स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप बोरीवली स्टेशन ईस्ट में आ जाते हैं तो इस जगह पर आप आ सकते हैं और यहाँ पर आकर आप दिन भर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और टाइगर सफारी कर सकते हैं और ट्रेन की राइड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एक मिनी ट्रेन है और जिसकी राइड आप कर सकते हैं और बहुत ही शानदार जगह है। दिन भर आप ग्रीनरी में रहकर प्योर ऑक्सीजन लेते हुए आप अपनी पूरी थकावट को आप मिटा सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से हम आपको एसएल वर्ल्ड भी लेकर जाएंगे, वाटर किंगडम भी लेकर जाएंगे और कौन कौन सी जगहें हैं बोरीवली में, वो सारी जगहों पर हम आपको आज लेकर जाने वाले हैं। तो वीडियो आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मुंबई के विषय में मिल जाएगी कि मुंबई में आकर किन किन जगहों पर घूमना है। आज का टॉपिक हमने बोरीवली लिया है दोस्तों, बोरीवली में आप किन किन जगहों पर आप घूम सकते हैं। तो ये संजय गांधी नेशनल पार्क में आकर आप ये टाइगर सफारी कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और इसके बाद में आप ये कैनरी केव्स, यहाँ की बहुत ही प्राचीन गुफाएं हैं 2000 वर्ष पुरानी, यहाँ पर आकर आप पूरा दिन आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं एक दिन, और दूसरे दिन वाटर किंगडम, असल वर्ल्ड और बीचेस, सारी जगहों को हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर ये टिकट काउंटर है और संजय गांधी नेशनल पार्क में एंट्री करने के लिए आपको 77 रुपीस का टिकट लगता है दोस्तों। और यहाँ पर आकर आप ये पुरानी प्राचीन गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। ये बुद्ध के ज़माने की बनी हुई है दोस्तों और बहुत ही प्राचीन, हमारे देश की संस्कृति को देखना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप अवश्य आइए। ये अंदर हम आपको लिए चलते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये गुफा है और ये किस तरह से पहाड़ को काट कर नक्काशी करके ये गुफाओं को तैयार किया गया है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ये गुफाएं लगती हैं। और ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पूरा खूबसूरत और मनोहर दृश्य। आज शॉर्ट में हम सारी जगहों को आपको दिखाने वाले हैं ताकि आप भी बोर ना हों और मुंबई बोरीवली में कौन कौन सी जगहें हैं सारी जगहें कवर करनी हैं तो पूरा का पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, कहां पर कितना टिकट है ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और वाटर किंगडम और एसएल वर्ल्ड के लिए कहां से जाया जाता है, किस तरीके से, और ये भी सारी जानकारी। और यहां पर ये गुफाओं को आप ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ये गुफाएँ हैं और यहाँ पर बुद्ध काल को दर्शाती है। बुद्ध यहाँ पर आकर, जो बुद्धिस्ट रहते हैं यहाँ पर आकर तपस्या करते रहे और ये 2000 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी है यहाँ पर आकर। ये खूबसूरती यहाँ की आप ये देख सकते हैं। बोरीवली ईस्ट में संजय गांधी नेशनल पार्क है दोस्तों, ये मुंबई में स्थित है और यहाँ से ये पूरी गुफा को हम आपको दिखाते हुए, ये ऊपर भी यहाँ पर ये गुफाएँ बनी हुई हैं, इन्हें शॉर्ट हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं दोस्तों। ये पूरी गुफाएं यहाँ पर आकर, जो बुद्धिस्ट थे यहाँ पर आकर प्रे किया करते थे, भगवान से प्रार्थना किया करते थे, तभी इंसान का मन ईश्वर में लगता है जब एकांत में आकर ईश्वर का नाम लिया जाता है तो आपको ईश्वरीय ज्ञान हो जाता है, अन्यथा मन विचलित रहता है, कभी इधर उधर भागता रहता है। तो चलिए ये अब हम आपको ये लेकर आए हैं दोस्तों, जहाँ से वाटर किंगडम और एसएल वर्ल्ड के लिए जाया जाता है। चलिए सबसे पहले ये बीच को हम आपको दिखा देते हैं। ये बोरीवली
वेस्ट से आपको यहाँ पर आने के लिए दोस्तों 269 नंबर की बस पकड़नी रहती है, और यहाँ पर आकर आप आक्सा बीच आ सकते हैं बोरीवली से। बोरीवली वेस्ट से आकर आप 269 नंबर की बस पकड़ेंगे तो इस जगह पर पहुँच सकते हैं मात्र 10 रुपये किराए में। और ये पूरा खूबसूरत और मनोहर दृश्य आक्सा बीच का, और ये खूबसूरती हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये सामने जो टापू दिख रहा है, यहीं पर वाटर किंगडम और एसएल वर्ल्ड पूरा बसा हुआ है दोस्तों। चलिए बीच को दिखाते हैं, बीच के पश्चात वाटर किंगडम एसएल वर्ल्ड आपको दिखाएंगे दोस्तों किस तरह से वो जगह है। और सारी जगह जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर आने के लिए आपको 269 नंबर की बस पकड़नी है, और यहाँ पर भी आकर आप पूरा दिन यहाँ पर आप स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और शानदार और जानदार जगह है दोस्तों ये बीच पर। यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं दोस्तों। यहाँ का पानी बहुत ही साफ है। अगर आप जुहू बीच पर जाएंगे तो जुहू बीच की अपेक्षा यहाँ का पानी बहुत ही साफ सुथरा है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही खूबसूरत बीच है, और समय समय पर यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग होती है। और बोरीवली में आप किन किन जगहों को घूम सकते हैं आज इस वीडियो में ये हम आपको बता रहे हैं। और ये सब जगह यहाँ इस बीच पर आने के लिए आपको बोरीवली वेस्ट से 269 नंबर की बस मिलती है, और यहाँ पर आने के लिए मलाड़ से भी आप आ सकते हैं 271 नंबर की बस पकड़कर। और इसके पश्चात आपको वाटर किंगडम और एसएल वर्ल्ड दिखाएंगे दोस्तों कैसा है और किस तरीके से कहाँ पर। ये सामने टापू जो आप देख रहे हैं, यहीं पर एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम है समुद्र के किनारे। समुद्र की सैर करते हुए अगर आपको जाना है तो गोराई बीच से आपको जाना पड़ता है। बोरीवली वेस्ट से आपको ऑटो रिक्शा या बस के माध्यम से आप जा सकते हैं। बस से गोराई बीच का 10 रुपया टिकट है, और ऑटो रिक्शा से 60-70 रुपया ही खर्च होते हैं। ये सामने जो टापू आप देख रहे हैं एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम का है। तो चलिए अब हम आपको ये दिखाते हैं दोस्तों, ये एसएल वर्ल्ड के अंदर ये वाटर किंगडम की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी स्लाइड्स यहाँ पर लगी हुई है। और बोरीवली में अगर आपको आकर रुकना है तो 2 दिन तो इन जगहों को देना पड़ेगा आपको। 2 से 3 दिन आपको बोरीवली में ही घूम सकते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क है, वाटर किंगडम है, और एसएल वर्ल्ड है दोस्तों। एसएल वर्ल्ड भी अपने आप में बहुत ही बड़ा है, और वाटर किंगडम तो एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाटर पार्क है दोस्तों। ये यहाँ पर ये इस तरह की स्लाइड्स लगी हुई है, सबसे टॉपेस्ट स्लाइड्स का हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। अगर हृदय रोगी हैं तो कृपया करके स्लाइड्स पर ना जाएं, नहीं तो कुछ भी परेशानी होने की संभावना बन सकती है। अलग अलग तरह की यहाँ पर ये स्लाइड्स है वाटर किंगडम के अंदर, और आपको बड़ा ही मज़ा आ जाता है। दिन भर 1000 रुपये करीबन टिकट लगता है दोस्तों यहाँ पर एंट्री का एडल्ट का, और यहाँ पर आकर दिन भर मौज मस्ती पानी में नहाना आप कर सकते हैं दोस्तों। मुंबई का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, मुंबई फिल्म सिटी टूर करना चाहते हैं, सारे फिल्म एक्टरों के घर देखना चाहते हैं, और जितने मुंबई शहर में फिल्म स्टूडियोज़ हैं अगर आप उनको देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 घंटे का वीडियो है, 5 नंबर का लिंक डाला हुआ है। आप घर बैठे पूरा फिल्म सिटी टूर, सभी फिल्म एक्टरों के घर और जितने भी मुंबई शहर में फिल्म स्टूडियो हैं वो सब घूम सकते हैं। और ये पूरा वाटर किंगडम अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जा सकते हैं, और दिन भर ऐशो आराम की ज़िंदगी आप जी सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। स्लाइड्स भी एक से है, वाटर किंगडम और एसएल वर्ल्ड दोनों बिल्कुल एक ही जगह पर स्थित है, बस गेट दोनों के अलग अलग हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहाँ का खूबसूरत और मनोहर दृश्य, बहुत ही मज़ा आ जाता है दोस्तों। ये सबसे बड़ी स्लाइड्स आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं।